हेलो एवरीवन, आप सभी को गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और ब्लॉग। हे गाइस, कैसे आप सब? होप आप अच्छे होंगे एंड चीकू भी अच्छा है ना? चीकू कैसे हो? कैसे हो? अच्छे हो कि क्या हो, वो बताओ। कैसे हो? सो गाइस, मेरा अभी फ्लिपकार्ट से कुछ सामान आया है, सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है मेरा। एंड चीकू लाइटर लेके खेल रहा है। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए कितना अच्छे से मैंने पूजा कर दिया और मेरा घर का मंदिर कितना अच्छा लग रहा है देख करके। चलिए आपको सो मैंने थोड़ा सा वीकली मेरा जो सामान ख़त्म हो गया था वो मैं ऑर्डर की थी। काजू मैंने हाफ के जी मंगवाया था, गरम मसाला, हिप्पी का नूडल्स मंगवाई थी सर टैक्सल, एंड ये चोकोस वगैरह चीकू के लिए मिल्क के साथ मैं उसको देती हूँ। एंड इसका दो पैकेट मैं मंगवाई थी, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला था। एंड फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट का मैंने साबुन मंगवा के देखी हूँ कैसा आएगा। एंड यहाँ मेरा फेवरेट कुरकुरे, एंड चीकू को भी पसंद है, थोड़ा सा मैं उसको भी देती हूँ। एक पैकेट लेस मंगवाई थी एंड ये बादाम 1 रुपीस में आ जाता है, आपका 15 से 2 हज़ार का बिल होता है तो। एंड ये छाता भी मुझे मिल गया था फ्लिपकार्ट से, 3.99 का था, 1 रुपीस में मिला। एंड यहाँ पे आटा था और यही कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैं वीकली मंगवाती हूँ। सो उसके बाद गई थी मैं वेजिटेबल लेने के लिए, तो वेजिटेबल ली एंड मैं बनाई थी एग करी एंड रोटी। और ये गणेश पूजा का पहला वाला दिन है तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा कि मैंने पूजा वाले दिन खा लिया एंड वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे शिबू आया था, सो उसके पापा चीकू एंड शिबू के साथ खेल रहे थे। एंड मॉर्निंग में मैं पूजा करने के लिए गई थी एंड उसके बाद मैं गई चीकू के स्कूल, जहाँ पे चीकू गणेश पूजा का प्रसाद वगैरह खा रहा था। एंड पूरा रिकॉर्डिंग में नहीं की क्योंकि अलाउ नहीं था स्कूल में। इवनिंग के टाइम में हम लोग गए थे पापा का दर्शन करने के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड एंड चीकू। और ये वाला गणेश भगवान की जो प्रतिमा थी बहुत 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 ही यूनिक और बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। एंड मेरा आउटफिट ग्रीन था एंड चीकू एंड उसके पापा ब्लैक ब्लैक पहने थे। एंड ये थोड़ा मोड़ा डेकोरेशन वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रही थी और काफ़ी रस भी था। मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मैं कर ही नहीं पाई, इतना ज़्यादा पंडाल वगैरह में भीड़ था एंड बच्चे के साथ आप समझ सकते हैं। और ये वाला पंडाल मुझे सबसे 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 अच्छा लगा एंड ये वाला और एक पंडाल था। एंड ये वाला पंडाल को मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड भी किया था क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बर्ड्स का यहाँ पे हल्का सा म्यूज़िक था एंड बर्ड्स घोंसला टाइप ही बना हुआ था और ये एग देख करके दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे और बेस्ट था आई थिंक यहाँ का, मुझे ऐसा लगा। एंड प्रतिमा भी यहाँ की काफ़ी अच्छी थी। सो जितना हो पाया है मैं आप लोगों को दिखाने का ट्राई करूँगी। और मैं सोची बाद में भी हम लोग लास्ट ईयर ना बहुत मतलब 7 डे 6 डे घूमने के लिए गए थे, बट इस बार ना इतना बारिश हो रहा था गणेश पूजा के टाइम पे कि मतलब हम लोग एक ही दिन घूमने गए और गए भी नहीं, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग या ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। तो सोचा मेरा वीडियो जो है एक दो दिन का इसमें मैं अपलोड की हूँ क्योंकि ज़्यादा मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया था, तो जितना कि इसी ब्लॉग में मैं ऐड कर दे रही हूँ। एंड गाइस, ये वाला पंडाल देखिए बहुत 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 सुंदर था एंड इसको मैं क्लोज़अप नहीं ले पाई। उसके बाद हम लोग घर आ गए और आने के बाद मैं प्रसाद खा रही थी जिसमें मैं दही ऐड कर दी बुनिया में एंड ये बहुत ज़्यादा यम्मी था।
और फिर चीकू और हस्बैंड बोले थे केक बनाने के लिए, तो ये ड्राई फ्रूट वाला एगलेस केक बनाई थी मैं। चीकू क्या कर रहे हो? किससे खेल रहे हो? क्या खाना है आपको? भूख नहीं लगा है? इवनिंग में घूमने जाना है? किसके साथ? सोनम दीदी साथ। अच्छा, पापा तो नहीं है, कौन ले जाएगा? सोनम दीदी तो अपने घर में है, अभी कौन ले जाएगा? अच्छा चलना, चलो बाय कर दो। बाय। ये ड्रेस कौन दिया है? मम्मी दी है। मामा दिए हैं, मामी दी है ना? इधर देखो। बाय बाय। मैगी खाना है? नहीं, पर मैगी नहीं खाता। मम्मा बना देगी, मैगी खाना है? ओके। येलो की ऑरेंज? येलो की ऑरेंज जल्दी बताओ, कौन सा खाना है? येलो की ऑरेंज? येलो खाना। दोनों? ओके बाय 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 बाय। तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं? ओहो, थक गए हो? आज एग्जाम हो गया? कौन सा पेपर था? इंग्लिश राइटिंग? ओके चलो बाय, मैं मैगी बना के लाती हूँ आपके लिए। ओके ओके। बहुत भूख लग रहा है, अभी तो आप बोले आपको भूख नहीं। सो गाइस, मेरा पूजा वगैरह लो चीकू लो। सो गाइस, मेरा पूजा वगैरह हो गया है और मैं अभी चाय बनाऊंगी। और अभी मैं थोड़े देर पहले चाय बनाई थी, तो इसी में मैं फिर से चाय बना लेती हूँ। हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, तो मैं बस अपने लिए ही चाय बनाऊंगी। और ये टॉप मैं निकाल दी हूँ जो मैं मॉल से ली थी। सो गाइज, मैं चाय बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। और अभी चीकू को मुझे दूध भी देना है, सो मैं उसको दूध गर्म करके हॉलिस डाल के दे देती हूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, चाय मेरा बन गया है और मेरे साथ कोई नहीं है, सो मैं आप लोगों के साथ ही शाम का चाय पी रही हूँ। एंड ये वाला ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और 3-4 दिन से ज़्यादा का ब्लॉग मैं एक साथ आपको दिखा रही हूँ। गणेश पूजा से पहले मैं स्टार्ट की एंड गणेश पूजा के बाद तक ये ब्लॉग चला। और काफ़ी दिन के बाद मैं अपना ब्लॉग जो है उसको अपलोड कर रही हूँ। आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड यहाँ पे चीकू भी आ गया है। हेलो चीकू, इधर आइए इधर आइए।
और चाय है गरम गरम। सो गाइज होप ऐसे नहीं बेटा, अच्छा से बैठिए। गाइस ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ अपने चाय के साथ। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तक तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।